नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले स्वागत हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर। दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए तमाम तरह की वीडियोस अपडेट्स लाते रहते हैं और इस वीडियो के जरिए भी हम आपको एक लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहे हैं। क्या है वीडियो, क्यों आपको जानना जरूरी है, तमाम चीजों को जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम आप यही कीजिए, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। आई होप अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है चक्रवात की अपडेट्स। अभी तुरंत एक ताजा अपडेट आई है दोस्तों, मैंने आपको सोचा ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी जो हमने 12 बजे अपलोड किया था उसको भी देख लीजिए, वो एक बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है जो कि सुबह सुबह आई थी कि आखिर चंद्रयान 3 का एक वीडियो जो है वो एक कार ड्राइवर ने बनाया था और ये हमारी सफलता की एक निशानी थी। उस पुराने वीडियो को भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप बैठ भी जाइए, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी जो चंद्रयान थी आज 5 अगस्त है आप सबको पता है और इस बार चंद्रयान भी धीरे धीरे कर चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आज खुदा ना खास्ता भगवान ना करे चंद्रमा की कक्षा में हमारा चंद्रयान 3 नहीं पहुंचता है तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में उठता होगा। तो उसी सवाल का अपने शब्दों में जवाब देने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। दरअसल दोस्तों अभी और आज जो ट्रेंड एक चीज कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 आज जो कि आज शाम के 6, 7 या 8 बजे तक चंद्रमा की पहली कक्षा में प्रवेश करने वाला है ऐसा इसरो के वैज्ञानिकों ने अपडेट किया है। लेकिन दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कि अगर आज शाम 6, 7 या 8 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं करता है तो फिर क्या होगा, इस सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा होगा। तो हमने इस पर एक रिसर्च किया और ये अपने शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर। देखिए दोस्तों आपको याद होगा चंद्रयान 1-2, जी हाँ चंद्रयान 2 जो कि 2019 में हमने छोड़ा था, चंद्रयान 1 जो हमने लगभग 13 साल किया। लेकिन दोस्तों आपको पता है इन दोनों मिशन में हमें सफलता मिल चुकी है, यानी कि हमने चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक चांद के तमाम जो कक्षाएं हैं उसको पास करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचा दिया था लेकिन वो विफल हो गया था। उसके ठीक बाद 2019 में भी हमने सफलता हासिल की थी, हमने पृथ्वी के 500 चक्कर कटवा दिए अपने यहाँ, चांद की कक्षा में वो प्रवेश कर गया वो भी सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था दोस्तों हमारा जो लैंडर है वो तो इन मिशन में हमने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन आज का दिन बहुत ही कठिन होने वाला है। मैं तमाम वीडियोस में आपसे जिक्र करता हूं, देखिए एक एक करके सीरीज आप वीडियो देखते जाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको तमाम इंपॉर्टेंट मिलेंगे। कहा ऐसा जाता है दोस्तों कि अगर खुदा ना खास्ता जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये मिशन भी विफल हो, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत 4 साल की कड़ी मेहनत, आप एक एक दिन सोचिए कि एक दिन कितना मुश्किल होता है, 4 साल हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 को बनाने में लगाया। दोस्तों अभी हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अब तक जब तक मेरी ये वीडियो और जब तक आप देख रहे हैं तब तक हमारा ये चंद्रयान 3 का जो रास्ता है वो लूनर हाइबिट, यानी कि पृथ्वी और चांद के सतह के बीच। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो हमारा चंद्रयान 3 है वो आज शाम 7-8 बजे के आसपास चंद्रमा की पहली कक्षा में प्रवेश करने वाला है और आज इसरो के तमाम वैज्ञानिकों की सांसें धड़कन जो है वो पूरी तरह से रुकी है क्योंकि इसको सफलता का, क्योंकि हमारा जो देश है भारत और हमारे जो स्पेस एजेंसी है इसरो वो इन कामों में महारत हासिल है, यानी बहुत सारे जो पुराने देश हैं जो पहले के देश हैं वो इस मिशन तक को भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश तक अपने सैटेलाइट्स को नहीं करवा पाते हैं और वो वापस फिर पृथ्वी की कक्षा पर लौट आते हैं। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक है हमने 2 मिशन इन तमाम चीजों को सक्सेसफुली कर लिया है,
लेकिन अंत में जब चंद्रमा की सतह उतारने की बात आई तो हम विफल हो गए थे, लेकिन इस बार सफल। तो दोस्तों आज का दिन बहुत भारी है। देखिए क्या होता है कि अगर अभी जो लूनर हाईवे पर हमारे चल गया थी का जो स्पीड है वो 37,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अब जब वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा तो उसको हर दिन यानी कि एक दिन दो दिन तीन दिन करके 3600 प्रति घंटा की रफ्तार कम की जाए। जी हाँ दोस्तों, 3600 प्रति घंटा की रफ्तार उसमें धीरे धीरे कम की जाए, 3600 रफ्तार को धीरे धीरे कम की जाए। और अगर ये रफ्तार कम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, मैं बताना चाहूंगा जो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि तो फिर जो हमारा चंद्रयान 3 है अगर आज हम चंद्रमा की ऑर्बिट में नहीं पहुंचता है तो वो 10 दिन की यात्रा के बाद यानी 10 दिन से अभी हमारा चंद्रयान 3 घूम रहा है वो फिर पृथ्वी पर पृथ्वी की वायुमंडल पर और पृथ्वी के ऑर्बिट पे वापस आता है। जी अगर आज शाम 6, 7, 8 जब भी चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा चंद्रयान हमारा, अगर वो सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाता तो दोस्तों वो फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। जी हाँ, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हार हो जाएगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज तमाम वैज्ञानिक तमाम अपडेट कर रहे हैं कि आज का जो चंद्रमा का ऑर्बिट है जो हमको पकड़ना है वो हम सही से पकड़ लें। आज अगर हमने सही से चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ लिया तो फिर आने वाले समय में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और 23 अगस्त को दोस्तों मेरे प्यारे दर्शकों हिंदुस्तान इतिहास रचता है, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत मुश्किल भरा है क्योंकि किसी यान को किसी सैटेलाइट को किसी के ऑर्बिट में पहला प्रवेश कराना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक वो उस क्षेत्र में उस परिधि में समा जाएगा। आप देखिए कहीं आप जाते हैं किसी जगह पे जाते हैं अगर आपको एसी की आदत नहीं होती है तो अगर आप पहली बार जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डर महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे उस जगह पे आप रहने लगते हैं तो फिर आपको एसी की आदत हो जाती है। या कोई किसी जगह पर आप जाते हैं दोस्तों आपको ठंड या गर्मी के एहसास आदत नहीं होती, आप रहने लगते हैं तो आदत बन जाते हैं, आदि बन जाते हैं। मानिए किसी शहर में आपकी जन्म हुआ, आपका बचपन बीता, आपकी जवानी बीती, और फिर दूसरे शहर में आप जाते हैं, आप उसमें ढल जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे सैटेलाइट और यंत्रों के साथ हमारा जो अंतरिक्ष है वो बहुत तरह की चीजों से भरा है और उसमें प्रवेश कराने के लिए उनको भी उस पूरे परिवेश को उस पूरी परिधि को अपनाना पड़ता है। और यही होता है आज होगा चंद्रयान 3 के साथ जब वो चंद्रमा की पहली कक्षा पहली ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। भगवान से दुआ कीजिए आप चले जाइए, आज जो अभी आप पूजा पाठ कीजिएगा दोस्तों, एक बार आप चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना कर लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से, आप एक बार हमारी सफलता के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल वाला दिन है, बहुत कठिन वाला दिन है। आई होप हम तो लगातार प्रार्थना कर ही रहे हैं, हर वीडियो में कम से कम 10 बार ये कहते हैं कि हम जरूर सफल होंगे। इसरो वाले भी अगर एक बार देख ले तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को भी पहुंच कर देंगे। लेकिन दोस्तों आज का दिन बहुत कठिन है, आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रेयर कीजिए और सफलतापूर्वक हमारा ये मिशन जो है वो सक्सेस होकर ही रहेगा। चलिए जो भी टॉपिक आएगी, जो भी अपडेट्स आएगी, सबसे पहले आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में यही टॉपिक था। चैनल पर अगर आप नए पहली बार आए हैं दोस्तों, पसंद आ रही है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप लोग अपना